वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का यहाँ पर एकजुट होकर के देखना सीखना। और मुझे इसमें पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सीनियर हैं, बहुत सालों से वो या तो सेंटर चला रहे हैं और या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल, लेकिन आते हैं सीखते हैं अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने पॉइंट लोकेशन देखा था कि किस तरीके से हम पॉइंट को अच्छी तरीके से लोकेट कर सकते हैं, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इनमें से जो भी ऐसे लोग हों जिन्होंने नहीं देखा हो, तो वो वीडियो मैंने आपके ग्रुप में भी डाल दी थी कि मैंने अपडेट कर दी है, तो वहां से देख सकते हैं। तो आप चैनल पे जाके उसको देख लीजिएगा, दो बार तीन बार देख लीजिएगा, ताकि जहां भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो आपकी निकल जाए। आज मैं उसी से रिलेटेड एक और विषय लेने जा रही हूं कि जैसे चेहरे का पॉइंट था, तो कैसे अंदाजे से लगाएं, क्योंकि हर व्यक्ति आर्टिस्ट नहीं होता कि सेम डिस्टेंस पर एकदम बिल्कुल परफेक्शन के साथ लगाए। फिर भी हम कैसे परफेक्ट तरीके से पॉइंट लगा सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, आज की क्लास में भी मैं उसको कवर करना चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन रह जाएगा वो आप लोग फिर बाद में मेरे से पूछते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए आपको ले चलती हूँ स्क्रीन पर। ये बातें हम सब सीख चुके हैं कि क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए हमें मेरिडियन के लोकेशन की। इसके बाद बात आती है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे हम पॉइंट को सिलेक्ट कर दें ढंग से। तो पॉइंट के लिए हमें कोई क्राइटेरिया नहीं, हमें इसके फंक्शन के आधार पर सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको फंक्शन पता है तो आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर को यहाँ दिखाने का क्या मतलब है? इस पिक्चर को दिखाने का इतना ही मतलब है कि इसका बहुत ज्यादा रोल है। क्या रोल है भाई? रोल ये है कि आप जब तक ऑर्गन के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से, एक मिनट, गलती से कुछ दब गया शायद, कि जब तक आप किसी भी लोकेशन जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं, अभी तक शो नहीं हुआ, एक मिनट बस। हाँ, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। तो बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस पिक्चर को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा परफेक्ट पिक्चर आपको कहीं नहीं मिल सकती है। और लोकल पॉइंट जो होते हैं हमारे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन, और जब भी व्यक्ति आपको पेन बताता है, विशेष रूप से पेन बताता है, तो आपको एक चीज हमेशा क्लियर हो जानी चाहिए कि उस पेन को कभी भी आप सुनकर ना ट्रीट करें। कि आपने सुना, फोन में सुन लिया या वैसे सुन लिया कि क्या है, हमें तो पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट दे दें, आप हमेशा धोखा खा जाएंगे। आप पूछिए कि पेट में दर्द है तो उसकी लोकेशन क्या है। अगर वो आपके सामने है तो आप पैल्पेट करके देखिए, उसको टच करके देखिए कि एक्चुअल पेन कहाँ है, क्योंकि पेट का मतलब आप सामने जो मेरे देख रहे हैं तो यहाँ समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा एरिया
रिब केज के बाहर का जितना भी ये दिख रहा है ये पेट ही तो है, और इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, और थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ हल्का सा जाए तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब पेट में ही तो है। तो पेट में दर्द है तो कहाँ कौन सा पॉइंट हम ले लें, कैसे ले लें? तो इसके लिए हमेशा आपको आंखों से देखकर और हाथों से टच करके ही पेन का पता लगाना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं बड़ी एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और इतने धोखे मुझे मिले हुए हैं कि उस धोखे खाने के बाद मैं ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो गई हूँ, बड़ी समझदार हो गई हूँ। एक बार की बात है, दो किस्से सुनाऊंगी जिसके बाद से मैंने बिल्कुल सोच लिया कि बिना देखे पेशेंट को तो मैं दे नहीं सकती। अब जब लॉकडाउन लगा और इसमें पेशेंट अवेलेबल हो नहीं सकता, बाहर बाहर के हैं मान लीजिए, तो मैं कहती हूँ जहां पेट में दर्द है एक फोटो खींचो, वहां राउंड बनाओ और हमें भेज दो। ऐसे सुन के मैं नहीं दूंगी कि जी मेरे पेट में यहाँ दर्द नहीं, जहां भी हो उसका ड्राइंग बनाओ और फिर भेजो हमें। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ घटना घट गई, तो घटना बताती। एक बार की बात, एक पेशेंट आई और उसने कहा कि हमारे सिर में नहीं, हमारे हेडेक हो रहा है, और वो थोड़ा सा रूरल एरिया की थी। एक बार मैं चौंकी कि हेडेक हो रहा है, मतलब गांव के लोगों को बहुत ज्यादा इंग्लिश और इन सब का मतलब नहीं होता, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इसको हेडेक कैसे, ये लोग मतलब अच्छी बात है कि अपडेट हो रहा है। और इतना वो तड़प रही थी दर्द से, इतना ज्यादा तड़प रही थी कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही थी कि ऐसा सिरदर्द मैंने नहीं देखा कि पेशेंट बिल्कुल तड़प रहा और तड़प रहा है। मान लीजिए आपके सिर में दर्द है तो कहाँ हाथ लगाएंगे, यही हाथ लगाएंगे, लेकिन सिर में वो हाथ भी नहीं लगा रही है, एकदम बेचैन है, बेंच पे पलट रही है, लट रही है। और उसका हस्बैंड बैठ के मुझे बता रहा था कि इसको बहुत दर्द है मैडम, बहुत है। हमने पूछा कहाँ है, बोला अरे उसी से पूछ लीजिए। उसने बोला मुझे बहुत हेडेक है, बहुत हेडेक है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि उससे खुद बात करनी चाहिए। मैंने कहा पहले आप बैठो हमारे पास और हमें पूरी बात बताओ। वो बोला हम बैठ नहीं पाएंगे, हमको इतना दर्द है कि हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे। मैंने कहा फिर भी अगर आपको ठीक होना है थोड़ा सा हिम्मत करें, बैठिए और हमें बताइए। देखा मैंने, वो बैठ नहीं पा रही, फिर जाके लेट गई, तड़प रही है दर्द से लेकिन सिर में हाथ ना लगाए। जब पूछे कहाँ है, बस हेडेक है। मैंने कहा हेडेक में भी कई होता है ना, तो फ्रंटल है, टेम्पोरल है, पराइटल है, ऑक्सीपिटल है, कहाँ है, वर्टेक्स में है या आपके सर्वाइकल से ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे? बोले कुछ नहीं, ये सब नहीं, हमको हेडेक है। मुझे लगा ये चक्कर क्या है, तो मैंने कहा सुनो तुम्हारे जहां पर हेडेक है हाथ लगाओ। उसने हाथ कहाँ लगाया पता है? यहाँ पर, जहां पर लिवर का रीजन है यहाँ उसको हेडेक हो रहा था। और मैं तो सर पकड़ के बैठ गई कि अगर ऐसे ही मैं लिख देती कि हेडेक हो रहा है, बीपी वगैरह चेक करके अंदर भेज देती तो इसको क्या ट्रीटमेंट मिलता। मैंने कहा यहाँ तो दर्द है पेट में, तुमको हेडेक कहाँ है? तो बोला यही हेडेक है। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ये क्या हुआ। फिर मैं समझ गई कि जैसे आप बोलते हो ना कि कहीं पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम है तो आप बोलते बहुत बड़ा हेडेक है, तो मुझे लगा कि ये भी इसी को बोल रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा हाथ लगवा के देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दर्द हो रहा है उसके पेट में और आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके हेडेक का, माइग्रेन का। और कोई भी होता तो हेडेक का, माइग्रेन का ट्रीटमेंट दिए बगैर ना मानता। मैंने सर को भी ये बात बताई, सर मुस्कराए, बोले तब तो बड़ी अच्छी बात है कि पकड़ में आ गया। हमने कहा मैं बार बार बोल रही हूँ कहाँ है बताओ, तो ये कह रही कि हमारे हेडेक है, हेडेक है। मैंने जब पूछा बार बार हेडेक कहाँ है, तो बताया कि पेट में हेडेक हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग इसको आंखों से देखना,
हाथों से छूना पूछना इसके बगैर ट्रीटमेंट मत करिएगा। इसीलिए ये पिक्चर में बार बार आपको शो कर रही हूँ कि इन पिक्चर्स को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए और उसी लोकेशन के हिसाब से देखिए कि कहाँ पर कौन से पॉइंट आते हैं। जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पर दर्द है, ये जो नोक वाली कोन देख रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए दर्द है, तो बुक उठाया मेरिडियन देख ली जो पीडीएफ आपके है कि यहाँ कौन सा पॉइंट है। सिंपल वहां पर एक पीला मैग्नेट, यहाँ पर नहीं हाथ में पीला मैग्नेट लगा दिया और ये दर्द ठीक हो गया। सपोज करिए कि रिप्स के नीचे यहाँ पर कहीं दर्द है, अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है मुझे पता है कि ये लिवर 13 आता है। सिंपल एक पॉइंट लिवर 13 लगा करके ठीक कर सकते हैं। गले में खराश है, गला कहाँ है आपका, यहाँ पर है, तो कंसेप्शन वेसल का 21-22 पॉइंट को डायरेक्टली यहीं पर सीरेट कर दें, यानी अंगूठे में जहाँ चार्ट में लिखा हुआ है उससे ठीक हो जाएगा। तो ढूंढेंगे जो बॉडी में लाइन खींची हुई है मेरिडियन ओरिजिनल वहां पर कि यहाँ कौन सा पॉइंट आता है, और लगाने की बारी आएगी तो अपने हाथ में लगा लेंगे। सिंपल मान लीजिए आपके किसी खास हिस्से में बैक में बहुत दर्द होता है, दोनों स्कैपुला के बीच में यहाँ बहुत दर्द है, अब आप अपना चार्ट उठाइए, जो थर्ड डे वाली आपको पीडीएफ मिली है उसमें देख लीजिए कि इसमें गवर्निंग वेसल का कौन सा पॉइंट है। गवर्निंग वेसल कभी दर्द नहीं करता, उसके बगल में यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट होगा 13 नंबर 14 नंबर जो भी है, आप सेम पॉइंट को लीजिए अंगूठे में पीछे सीरेट कर दीजिए, काफी चीजें आपको ऐसी ठीक हो जाएंगी। कमर में दर्द हो रहा है तो जो मेरिडियन जा रही है जो पॉइंट यहाँ पर है वो पॉइंट आपको यहाँ हथेली में भी मिल जाएगा, तो आप अपनी हथेली के इस पॉइंट को मटर बांध लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा टोन सीरेट, और नहीं तो सीरेट कर दीजिए या टोन कर दीजिए जैसी पेशेंट की कंडीशन हो वो काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होने के साथ ही धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगा। अच्छा मान लीजिए एक सवाल आता है कि अगर ये पॉइंट गलत हो जाए, लगाना है वाइट और हमने बाय मिस्टेक येलो लगाया तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपके सिर में हल्का से हैवीनेस हो जाएगा, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, आप निकाल के रख दीजिए, खाया तो है नहीं कि नुकसान कर गया, उठाया और निकाल दिया। और वैसे कोशिश यही होती है कि लोग बहुत कॉन्शियस होकर लगाते हैं तो गलती नहीं होती है, बहुत रेयर में कभी हो जाए वो अलग बात होती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, किसी भी लेवल पर हो जाती है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो जीवी और सीवी का पॉइंट है उसको ना टच करें क्योंकि वो कंट्रोलर है। अब बात बात में आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास थोड़ी जाएंगे, जो लोकल हमारे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं और उन्हीं से काम हो जाता है, तो आप ये कोशिश करें। ठीक है, उसको एज अ कंट्रोलर 1 पॉइंट 2 पॉइंट हम लोग लगाते हैं लेकिन उसको मेन मान करके कभी नहीं लगाते। तो ये हो गए हमारे मेरिडियन के। इस पिक्चर को भी ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, अगर ये पिक्चर आपने समझ ली तो समझिए कि पॉइंट और अच्छे से आप लगा पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हार्ट वाला रीजन है, हार्ट का करेस्पॉन्डेंस दिख रहा है ना आपको अंगूठे में, इसको कैसे लोकेट करेंगे, लंग्स को कैसे लोकेट करेंगे, लिवर को कैसे, तो इसको बड़ा कीनली आप ऑब्जर्व करिए। और आप कुछ भी नहीं, मान लीजिए आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पिक्चर आपके सामने खुला हुआ है और आपने देख लिया कि आपके बॉडी में कहां लिवर वाले हिस्से में पेन हो रहा है, तो जहां लिवर ग्रीन कलर का दिख रहा है आप वहीं पर अपने हाथ से मसाज ही कर लीजिए। अगर आपका पेन लिवर से रिलेटेड होगा तो इमीडिएट आराम मिल जाएगा, और अगर थोड़ी देर लगाया और आपको रिलीफ नहीं मिला
और जनरल प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हिपेटाइटिस है या जॉन्डिस है या कोई बड़ी परेशानी है तो आप एक एक केवल प्रेशर लगा के या एक एक वहां पर मैग्नेट या कुछ लगा के ट्रीट कर लेंगे, ये मैं नहीं बोल रही। लेकिन सिंपल कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी तो यहाँ पे काम लिया जा सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है तो शायद आपको आराम ना मिले, लेकिन छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजें हैं तो आप लार्ज इंटेस्टाइन के करिस्पॉन्डेंस पर भी प्रेशर दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। छोटी छोटी समस्याएं जैसे आंखों में दर्द होने लगा, क्या करें? तो आप आंख के जो पॉइंट आपको अंगूठे पर दिख रहा है, सिंपल आप यहाँ पर दो मैग्नेट सिरेट वाले लगा दीजिए। मुंह में छाले हैं, माउथ वाले करेस्पॉन्डेंस पर गए और आपने वहां पर कुछ लगा दिया। तो कहने का मतलब यही है कि ये छोटी मोटी समस्याओं में आप करेस्पॉन्डेंस का सहारा लिया करिए, नए जो बिगनेस है हमारे विशेष रूप से उनके लिए। और इनको छोटा न समझें। ये जो लंग्स का करेस्पॉन्डेंस है, ये जो हार्ट का करेस्पॉन्डेंस है, ये आपको जीवन दान देने का काम करता है। अभी इस कोरोना के समय में एक लेडी थे जिनके लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल घट गया। कितना हो गया? 50%। और डॉक्टर्स ने बोला कि अब तो कोई होप भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए। तो अब उन्हें कुछ नहीं पता, ना पॉइंट पता, ना कुछ पता, क्या करें? और परेशान सब, उनको वो थेरेपिस्ट भी थे चुकी, तो उनको ये लंग्स का करेस्पॉन्डेंस पता था। और उन्होंने इशारे से घर वालों को बोला कि यहाँ पर हमारे मसाज करो। और आज वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हार्ट अटैक जैसी समस्या कितनी बड़ी सुनने में इतनी बड़ी लगती है, लेकिन एक्यूप्रेशर के सामने सब बच्चे लगते हैं। आप हार्ट करेस्पॉन्डेंस पर मसाज करना शुरू करिए और देखते ही। तो मैं ये नहीं बोल रही कि हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं और ये उसको दबाएंगे तो ब्लॉकेज निकल के भाग जाएगा, नहीं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आई है उसको ये टाल देगा। उसके बाद आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से, जिसको भी आप कॉम्पिटेंस समझते हैं और लगता है कि हमारी मदद कर सकते हैं, तो उसके सामने पूरी डिटेल भेजनी होती है। तब तो पता चलेगा ना कि मान लीजिए हार्ट अटैक तो आया। अब हार्ट अटैक का कोई सिंगल एक पॉइंट थोड़ी होता है, मेरे चैनल पे कि आपने हार्ट अटैक के पॉइंट तो बताए ही नहीं। अरे भाई, तो हार्ट अटैक किस वजह से हुआ तो नहीं होता ना। हो सकता है हार्ट में व्यक्ति हो, उसके हो, पेशेंट की एज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसके बाकी लिपिड की क्या कंडीशन है, हीमोग्लोबिन वगैरह कैसा है, क्यों ऐसा हुआ, का ट्रीटमेंट आप यहाँ दबा दबा के ना उसको दवा करके आप टाल सकते हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम में इसी तरीके से कर सकते हैं। गले में खराश है, अचानक से कुछ ठंडा गर्म हो गया, गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर मसाज कर ली, यहाँ मैग्नेट लगा दिया, कलर लगा दिया, वॉट एवर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बहुत बहुत इसके साथ एक जो और पिक्चर मैंने पहले, इम्पोर्टेंट है। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट में। सेम पॉइंट आप पॉइंट होते, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हाथ में पिक्चर भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आ गए। ये जो स्पेसिफिक लाइन और ये सारी चीजें हैं, ये आपको अपने पॉइंट में परफेक्शन देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, एक लाइन खींची हुई है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर,
फिंगर के ठीक सामने सुपर है आपका, टच कर रहा है, हो गया आपका, हो गया CV1। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब इसी में अगर आपने आगे वाला कुछ पॉइंट खोजने का आपका मन किया तो आप कैसे खोज सकते हैं? ये लिया मैंने कलर, इसका हाफ मैंने एक लाइन टच कर दिया। तो इस तरीके से अगर टच करेंगे तो यहाँ CV14 से लेकर के और ये आपके जो लोकेट कर सकेंगे। तो ये जो लाइनें खींची हुई हैं, ये जो ड्राइंग बन रही है, ये जो ब्लू कलर की लाइन चारों तरफ देख रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जितना ज्यादा इसको ध्यान से देखेंगे उतना ही अच्छा आपका पॉइंट परफेक्शन होगा, ठीक है। अभी और मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। अच्छा, लीवर की अगर जब करेस्पॉन्डेंस को आप यूज करें तो ध्यान रखें कि जिधर लीवर एक्चुअल होता है किस तरफ होता है, राइट में। तो राइट हैंड में लीवर का ट्रीटमेंट ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आप देखें सामने जो पिक्चर दिख रहा है, ये है आपका कौन सा हाफ हो गया, ये है आपका राइट हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी अगर सामने रखें तो ये कौन सा हाफ हो गया आपका और ये कौन सा हो गया। तो देखिए इसमें थंब इस साइड आ रहा है, इस साइड इधर आता है। तो हमें देखना है पहले में हमारा राइट हैंड में लिवर आएगा टुवर्ड्स थंब, जैसा कि आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं, ये राइट हैंड है और इसको अगर हम राइट हाफ माने तो लिवर हमारा यहाँ आता है, करेक्ट। दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो हमारा राइट हाफ कहाँ आता है, इधर आता है। अपने हाथों को सामने करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम राइट हैंड में राइट साइड में जाएंगे तो लिवर तो मिल जाएगा, लेकिन एक कंफ्यूजन हमें ये भी होगा कि हम लिवर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं या लंग्स का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर आप लेफ्ट हैंड में लीवर का ट्रीटमेंट करें तो ये सेफ साइड है जहां आपको आराम से लीवर मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है। तो ये होता है सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस, ठीक। और इस तरीके से आप कर सकते हैं, खाना खाया, पेट में भारीपन हो रहा है, लेफ्ट हैंड में दबाव देना शुरू कर दिया, क्योंकि खाना खाने के बाद मोस्टली जो होने वाला हैवीनेस है वो लीवर की वजह से होता है। अगर आप अवॉइड करते हैं अपना कोई भी गैदरिंग, कहीं भी आप सोशल गैदरिंग में आपको बुलाया गया, आप वहां से अवॉइड करते हैं, आप भागते हैं वहां से कि नहीं हम नहीं जाएंगे, या कुछ काम आ गया, या कुछ ऐसा वैसा कुछ अगर आप बहाना बनाते हैं तो ये आप नहीं बना रहे हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे दूसरा इंसान पसंद नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था ना कि WHO ने क्या कहा है, फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग, कि अगर आपको ये चारों एस्पेक्ट आपके ठीक हैं तो ही आप हेल्दी हैं। तो सोशल गैदरिंग में न जाने के कारण होते हैं, ऐसे कोई नहीं भागता, क्यों नहीं जा रहा है, या तो उसे बात करना नहीं अच्छा लगता, वो एक बीमारी है, या अगर गया है बात करना ठीक है लेकिन खाएगा तो उसकी रात बेकार हो जाएगी, पूरी रात वो तड़पेगा, इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम है, इट में भी फैटी लीवर। तो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो अर्ली स्टेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पॉइंट के सेट लेने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोन का केज भी मिलता है,
कहां से कहां तक रेशियो है, कैसे इसको देखेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। जितने अच्छे से आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उतना अच्छा आप पॉइंट लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको लगाना है गवर्निंग वेसल 4 UB2347, मान लीजिए तो ये कहाँ है, इस जगह पर है जो मैंने कल गवर्निंग वेसल 14 से लाइन खींची थी। तो आप देखें इस तरीके से आप टच करके लगा सकते हैं। मान लीजिए किडनी से रिलेटेड कुछ ऐसा इश्यू लगता है आपको, तो ये दोनों जगह पर आप प्रेशर दे सकते हैं या कोई छोटा मोटा मैग्नेट टेप लगा सकते हैं। तो ये हुई हमारी करेस्पॉन्डेंस पर चर्चा। अब ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये इसलिए बताने जा रही हूँ ताकि आप पॉइंट की लोकेशन जरा सा अच्छे से लगाना शुरू कर दें। ठीक, ये आपका थंब है और थंब के पॉइंट ही लगाने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, सबसे ज्यादा। कल भी आप लोगों ने देखा, लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद एटलीस्ट थंब के पॉइंट आपको इतने ज्यादा इजी लगेंगे कि जितना आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये आपका रहा थंब का जॉइंट, ये हो गया एक जॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रेन में इमेजिन कर सकते हैं और या तो पिक्चर एक पेन से ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप न्यू हैं तो। फिर आपने एक सिंपल लाइन खींच ली, एक ये खींच लिया हमने, एक बिल्कुल बॉर्डर से खींच लिया, ये इसका बॉर्डर बना लिया मैंने बिल्कुल लास्ट जो बॉर्डर होता है, और एक हाफ कर दिया मैंने। इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से, और इसी तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल भी खींच लिया। इससे क्या फायदा होगा, बिल्कुल 100% आपके परफेक्ट पॉइंट लगने जाएंगे, एकदम 100%। अगर आपने इस तरीके का मार्क बनाना सीख लिया, चाहे आप इमेजिनरी ही बनाएं, जरूरी नहीं है कि पेन लेकर के पूरा हाथ खराब करे पेशेंट का, अपना हाथ खराब कर लीजिए ना, तो अपने से भी अंदाजा लग जाएगा कितना छोटा छोटा मार्क करना है, क्योंकि हाथ छोटा भी हो सकता है, हाथ बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको CB24 इमेजिन करना, कितना आसान हो गया आपका गवर्निंग वेसल 24.5 हो, चाहे गवर्निंग वेसल का, कंसेप्शन वेसल का, या थंब के जितने भी पॉइंट हैं उसको इसके माध्यम से लगाना बहुत आसान हो गया। अब सपोज करिए कि हमको लगाना है LI20 लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, लोकेशन अगर आपकी पक्की हो गई तो इसी लाइन पर आइए साइड में, ये लगा दिया मैंने LI20, क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको लगाने का मन है कंसेप्शन वेसल 24, लगा लीजिए इन दो लाइंस के बीच में इस तरीके से। देखिए बिना परफेक्ट हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जितना परफेक्शन के साथ आप काम करेंगे उतना भयंकर रिजल्ट आएगा। आखिर क्यों सिंगल पॉइंट इतने इफेक्टिव होते हैं, या क्यों एक डॉक्टर के पास इतनी लंबी भीड़ होती है, दूसरा सेम डिग्री के साथ में खाली बैठा होता है, इवन उसे दूसरे दूसरे कामों की तलाश करनी पड़ती, यही रीजन है। अब आपको चाहिए कि हम लगा लें गवर्निंग वेसल 25, लगाए कोई भी पॉइंट लगाइए, लेकिन याद रखिए mm का भी फर्क अगर होगा वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जिसकी आप उम्मीद करते हो, आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। अब देखिए आपको स्टमक वन लगाना है, लगा दिया मैंने स्टमक वन बगल के पिक्चर में, आपको स्टमक ये कोई भी 0.4, 5 जो भी पॉइंट लगाना है, सामने आप चार्ट रखिए जिसमें खूब सारे पॉइंट बने हुए हैं, एक साइड बगल में रखा, इसको गौर से देखा, हाथ में ड्राइंग बनाई
और लगा दिया। इससे सिंपलेस्ट वे और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। साइनस के पॉइंट चाहिए, यूवी वन लगाना है, कहाँ लगा लें? ये रहा आपका यूवी वन, लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। टीडब्ल्यू 23 लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए। गॉल ब्लैडर वन लगाने हैं, लगा लीजिए। जो भी पॉइंट चाहिए लगा लीजिए। अगर आप कहेंगे कि हमें साई 19 बताइए, यहाँ लगा लीजिए, फोर्थ पिक्चर में। गॉल ब्लैडर 2 चाहिए, लगा लीजिए यहाँ पर। ये रहा टीडब्ल्यू 21 लगाना चाहते हैं आप, लगा लीजिए यहाँ। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो पॉइंट है आपका, लोकेशन है, बहुत छोटा छोटा है। पिक्चर बड़ा दिख रहा है, एक्चुअल इट इज वेरी स्मॉल। तो आपको क्या करना है, छोटे वाले जो मैग्नेट होते हैं, या तो वो लगाएं 3, और या तो आप 2 मैग्नेट लेकर के लगा दें। तो बड़े वाले 1 मैग्नेट और 2 इस तरीके से लगाएंगे तो दोनों उसमें कवर कर लेता है। ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आता हो तो वो आप अपना मार्क कर लीजिएगा, मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ साइड वाले भी सारे जीबी वाले हो जाएंगे। टीडब्ल्यू 20 चाहिए, कान के ऊपर होता है, यहाँ लगा लिया। ठीक है, जो भी पॉइंट जहां चाहिए, स्टमक 8 लगाना है, स्टमक 8 लगा लिया। सेकेंड भर में आप कोई भी पॉइंट आराम से लगा पाएंगे। अगर आपको ये ड्राइंग क्लियर हो गई है तो, नहीं हुई है तो आपको फिर मुश्किल आएगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ ताकि कुछ और भी पॉइंट आपको सिखा सकूं। अब सीवी वाले जो जितने भी पॉइंट हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि बीच वाली लाइन में आ जाइए लेकर के इस तरीके से, तो यहाँ के ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। लिवर 13-14 मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सीवी के पॉइंट मैंने यहाँ तक के क्लियर कर दिए हैं। इतने में से अगर किसी को कुछ भी अभी समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिए इमीडिएट, तो मैं उसको बता सकती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, मैं मान के चलती हूँ कि आपका क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज में आती हूँ। इनको जितना देख लिया, अच्छा देखे ये हार्ट की इमेजिनरी लाइन बनाइए या खींचिए शुरू शुरू में, तो अपने हाथ में प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपका सवाल है कि इमेजिनरी लाइन बनाए क्या, तो आप पेशेंट के हाथ में तो मैं चाहूंगी इमेजिनरी लाइन ही बनाइए, क्योंकि आप बहुत सारा इस तरीके से लाइन अगर बनाएंगे तो शायद पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस आप अपने हाथ में कर लीजिए, या फिर आप अपने हाथ का इमेज एक पेपर पे बना लीजिए, और पेपर पर बना करके थंब बना लीजिए, और पेपर पे बना करके और उसके बाद उसी में लाइन खींचिए, बनाइए, बिगाड़िए। जैसे लोग मैंने देखा कि मेहंदी लगाना सीखते हैं तो अपना हाथ बना लेते हैं न्यूज़पेपर में और फिर हटा लेते हैं, उसमें बनाते रहते हैं, ऐसे इसमें भी कर सकते हो आप। अब देखिए इतना ब्यूटीफुल ये चीजें हैं, अगर एक बार समझ आ गया तो वंडरफुल। ये है पहला पिक्चर जिसमें बताया गया है हार्ट का करेस्पॉन्डेंस। अब हार्ट की साइज कितनी होती है, 1 मुट्ठी के बराबर, ठीक। और इस मुट्ठी को कहाँ रखना है आपको, डायफ्राम के ठीक ऊपर, करेक्ट। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है थंब वाली, ये है आपके डायफ्राम की लाइन, करेक्ट। और आपका हाथ कहाँ है, ये अगर हमने हाथ को बंद कर दिया तो ये हाफ हो गया, मुट्ठी बन गया। फिस्ट कैसे बनता है, जब आप अपने इस पूरे हैंड को हाफ कर देते हैं। और हमने ये भी बताया था कि ये उंगली आपकी पूरी
ये पूरा आपका हाथ है, तो ये पहला वाला हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा क्या होगा, बहुत मुझे बड़ा आनंद आता है बताने में, ये हिस्सा क्या है आपका, ये हिस्सा आपका पूरा यही तो है, समझ गए ना। मैंने कहा इसको हाफ करेंगे तो इतना बड़ा हार्ट है, तो इसको भी तो हाफ कर लीजिए, लेकिन ये मुड़ेगी नहीं, मुश्किल है, आप इमेजिन कर लीजिए इतना, तो आपको इतना बड़ा हार्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, आइए बनाते हैं। इतना ही बड़ा यहाँ पर उंगली रखिए और उसके चारों राउंड कर दीजिए, हो गया हार्ट। अब थोड़ा सा देखिए किधर है, लेफ्ट साइड में इसका हल्का सा बेस आ रहा है, तो बिल्कुल साइड से थोड़ा सा लेफ्ट जा करके नन्ना सा राउंड बना दीजिए, जरूरी नहीं कि आप हार्ट का शेप बनाए, आपको तो सीखना है। तो ये है इसका परफेक्शन का तरीका। लोगों को जब बनाने को मैं प्रैक्टिकल देती थी कभी, तो किसी का हार्ट बड़ा सा लार्ज हो जा रहा है, किसी का श्रिंक हो जा रहा है, किसी का सेंटर में आ रहा है, किसी का इसमें, तो उसका तरीका सीखिए कि जहां पर हार्ट आपके बॉडी में है उसकी लोकेशन पहले सीखिए। जब तक आपको अपनी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता होगी आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप हाफ करिए और हाफ को ही यहाँ पर डाल दीजिए, उससे बड़ा हार्ट बनाएंगे तो पॉइंट लोकेशन में आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टमक को भी देख लेंगे, लिवर को भी देख लेंगे, गॉल ब्लैडर को भी देख लेंगे और पेंक्रियास को भी। ये नॉर्मल आपके प्रॉब्लम में पेन है, ज्यादातर तो पेन में ही काम आता है, तो वहां पर ये काम आते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि पेंक्रियाटाइटिस हो गई, डायबिटीज हो गया, और आप उम्मीद करें कि यहाँ पर आप माइग्रेट लगा के डायबिटीज ठीक कर लेंगे या गॉल ब्लैडर के करेस्पॉन्डेंस पर लगाकर स्टोन ठीक कर देंगे या लिवर के फाइन पर लगा करके लिवर सिरोसिस ठीक कर लेंगे, फैटी लिवर ठीक कर लेंगे, तो ये गलत है। आपको उसके लिए पॉइंट पर आना पड़ेगा। नेक्स्ट आती हूँ। अगर ये पिक्चर आपने अच्छे से सीख ली, इसको और कर लिया, तो आपको जो अंगूठे में पॉइंट आते हैं यहां से यहां तक में, उनका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक मान लीजिए कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, कुछ भी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर उसको लगा पाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें अब आपके केवल देखने वाली है। ये देख लीजिए, ये सिर का हिस्सा हो गया, यहाँ जितने स्टमक वाले पॉइंट हैं, गॉल ब्लैडर के पॉइंट हैं, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। पीछे का हिस्सा लेना है, पीछे का भी आप ऐसे चूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका नेल का हिस्सा है ना, उसमें हम पॉइंट नहीं लगाते हैं, उसका ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर और नीचे ही लगाते हैं। तो ये हमारे ख्याल से आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इसको बस ऐसे ही देखते जाएंगे और लगा सकते हैं। यहाँ वाले पॉइंट लगाने में बड़ी मुश्किल होती है आप लोगों को। ये वाला जो पॉइंट है साइड वाला, इसमें बड़ी मुसीबत होती कि कैसे लगाएं। तो इसमें भी कुछ भी नहीं आपको सोचना है, आपको गवर्निंग वेसल पॉइंट जो हैं उन्हीं के लेवल को इमेजिन करके साइड वाले पॉइंट लगाने होते हैं। अगर आपने उसके लेवल को नहीं देखा तो पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे 100%। लेकिन अगर गवर्निंग वेसल वाले पॉइंट जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, उसके लेवल को लेकर उसको लैंडमार्क मान करके चलेंगे, तो ये पॉइंट भी बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे, ठीक है। किडनी के पॉइंट कैसे ढूंढें, तो इसमें ढूंढने में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। जो गवर्निंग वेसल 14 नंबर पॉइंट है जो कल सिखाया, तो उसके पैरेलल आइए और वो आपका किडनी के बीच में आपको पहुंचा देगा। उसके साइड में जाइए थोड़ी थोड़ी दूर पर, वहां दोनों आपको किडनी के पॉइंट मिल जाएंगे।
बहुत आसान तरीका होता है इन्हें खोजने का। इसके अलावा कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं पॉइंट की लोकेशन वगैरह के लिए और मेहनत चाहती हूँ आप लोगों से। फिर भी चूंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में हम सामने उंगली पकड़ के नहीं देख सकते, इसलिए थोड़ी सी असुविधा तो होती है, नो डाउट। फिर भी देखूंगी कभी। अब देखिए आ गए हम ड्यूल पॉइंट पर। अब इनमें से सामने वाले पिक्चर में कोई भी आपको पॉइंट की लोकेशन अभी भी लगता हो तो आप पूछ सकते हैं। गॉल ब्लैडर 21, बहुत बढ़िया। गॉल ब्लैडर 21 के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, इसको मैं स्क्रीन शेयर हटाती हूं तो बता पाऊंगी। इसके लिए चलिए मैं कुछ करती हूँ। गॉल ब्लैडर 21 की लोकेशन पहले मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ होती है। ओरिजिनल पॉइंट अगर आपको पता होगा तो ही आप लगा पाएंगे। ये रहा, ये रहा आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में इसको थोड़ा मैं जूम, अच्छा अभी इसमें नहीं आया। ये आ गया आपका, ठीक है। गॉल ब्लैडर यहाँ जो आपको दिख रहा है इसकी लोकेशन समझिए, यहाँ पीछे भी दिखाई दे रहा है इसका। तो जो आपका गॉल ब्लैडर 21 की लोकेशन होती है उसके लिए मैं आपको वापस आती हूँ, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑफ करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आए, तब आप पॉइंट लगा पाएंगे। अच्छा जी, कैमरा बंद हो गया। गॉल ब्लैडर 21 पहली बात तो यंग है, तो थोड़ा सा पीछे जाना। ये जो आपका हेड रीजन है ये सीधा नेक रीजन सीधी आ रही है, हेड के बाद जो नेक है सीधी आ रही है। सीधी आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बल्ज टाइप का होता है, फिर यहाँ से शोल्डर स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। तो जहां पर ये बल्ज फिनिश होता है, जो स्लोप जैसा होता है, जहां पर एंड होता है, या उसको भी ना इमेजिन कर पाए, तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन दिख रही है नेक की, स्ट्रेट जहां से स्लोप आ रहे हैं वहां नहीं, जहां से स्ट्रेट दिख रहा है वहां से शोल्डर ज्वाइंट का हाफ कर लीजिए। ये हो गया हाफ, आप एक बार देख लीजिए और थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कितना पीछे, इतना सा, और वहां पर जरा प्रेस करके देखिए। अगर आपकी चीख निकल गई हो तो आपने पॉइंट सही पकड़ा। कितने लोगों को गॉल ब्लैडर 21 सही सही मिला? जिसको भी सही मिल गया, पेन कर गया, समझ लीजिए कि बिल्कुल सही मिल गया, एकदम ऐसा लग रहा होगा चोट लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो नहीं लगी, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करने वाला पॉइंट है। बॉडी में अलाइनमेंट तो होती ही रहती है, कहीं हाथ में पैर में, आप देखिए कोई भी व्यक्ति सीधा आपको बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में खड़ा नहीं मिलेगा, कोई यूं टेढ़ा होगा, कोई ऐसे होगा, कोई झुक के है, कोई ऐसे। तो चूंकि ये
आपके बॉडी के बैलेंस करता है, बॉडी के अलाइनमेंट को करेक्ट करता है, इसलिए ये पेनफुल मिलता है। दूसरे ये जो ड्रग्स वगैरह आप लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसका जो साइड इफेक्ट है उसका भी पॉइंट है ये गॉलब्लैडर 21। तो जितने अंदर टॉक्सिन्स होंगे उतना पेनफुल ये होगा। तो जिसके जिसके भी दर्द हो रहा हो आप समझ जाइए कि ये पॉइंट आपने सीख लिया। अब इसको लगाएं कैसे? तो अब इसके दो तरीके हुए, या तो हम इधर से आए तब लगाएं, और या तो हम ऊपर से नीचे आके लगाएं। यानी या तो हम अपने इस तरफ से लगा सकते हैं और या तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। मेरी बात तो आप समझ रहे होंगे शायद। इसको ढूंढने के दो वे हैं कि या तो हम यहाँ से जा करके यहाँ ढूंढ लें और या तो ऊपर से आके यहाँ ढूंढ लें। तो यहाँ तो कन्वीनियंट होता है लेकिन यहाँ ढूंढने में मुश्किल होती है। फिंगर वाला रास्ता थोड़ा लंबा होता है, तो इस तरफ से अगर हम ढूंढ के लगाते हैं तो हमारे पॉइंट में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर इस तरफ से हम लगाएं तो हमारा काम आसान हो जाए। कैसे करें? आप इसको ऐसे ज्वाइन कर, ठीक, और ये मैं इसको सीधा कर देती हूँ। अब यहां से हमने थंब से एक सीधी लाइन खींच दी, यानी गवर्निंग वेसल 14 से। इसके लिए मैं पेन का सहारा ले लेती हूँ ताकि आपको दूर तक और साफ साफ दिख जाए। देखिए ये मैंने एक इंक से खींच दिया है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे कर लेना है। अब ऐसे करने के बाद में गवर्निंग वेसल 14 से आप सीधी लाइन खींचिए और यहीं पर एक बना दीजिए डॉट। और ये जो डॉट है ऐसा होना चाहिए कि जब आप हाथ को बंद करें तो थोड़ा सा दिखता रहे, ना बहुत अंदर ना बहुत बाहर। अब मैं इसको लोकेट करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा गॉलब्लैडर 21 हो गया। ऐसे कर देंगे क्लियर पॉइंट आएगा। तो ये रहा हमारा गॉर्निंग वेसल 14। यहां से हमने एक सीधी लाइन खींच दी। और आप हटा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आता है ये गॉल बटर का 21 आता है। और थोड़ा सा बाहर झांकते रहना चाहिए इसको, क्योंकि थोड़ा पीछे है। अगर आपने ऐसे पॉइंट लगा लिया है तो इसका मतलब है कि आपका गॉल बटर 21 ठीक है और पेनफुल मिलेगा। जैसे यहाँ मिला वैसे ही यहाँ पर भी पेनफुल मिलेगा, ठीक है। और आपको किसी पॉइंट लोकेशन की जानकारी चाहिए जो अभी तक मैंने बताया इसमें से? ठीक बिल्कुल। अगर आपका पेनफुल है मीन्स आपने गॉल ब्लैडर 21 सही लगाया, और अगर आपने इसको सही लगाया तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब किसी ने अभी थोड़ा सा भी रोक दे, थोड़ा सा मैसेज करना, थोड़ा सा रोक दीजिए तो फिर मैं ज्यादा मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी ना। अब आपकी प्रॉब्लम है TW14, इससे तो आसान पॉइंट ही नहीं हो सकता। हमें बॉडी के एनाटॉमी और करेस्पॉन्डेंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब इसके लिए हम चलते हैं LI15 ढूंढने के लिए। हाथ को सीधा किया, जब आप सीधा करेंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। देखिए बन रहा है क्या? गड्ढा ना बने तो आपकी फिर बॉडी में कुछ गड़बड़ है।
बनना चाहिए, बन गया होगा ना, जहां बना है वो TW15 है, और ये भी दर्द कर रहा होगा क्योंकि LI का फ्लशिंग पॉइंट है, LI फ्लश तो होती नहीं किसी की ठीक से, तो यहाँ पर आपको दर्द 100% मिलेगा। अगर न मिले इन केस तो आप हाथ को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, एकदम विजिबल हो जाएगा, और इतना दर्द होगा कि चीख भी निकल सकती है, और ये बताता है सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो सबका हाल चाल भी मिल जा रहा है, पॉइंट पे लोकेशन भी। अब जहां LI 15 है उससे वन थंब के बाद एक और छोटा सा, फिर से आपको डिप्रेशन मिलेगा। अब वो है आपका LI का 16 नंबर, ये है पहला पॉइंट। इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे, हाथ ऊपर नीचे करेंगे तो ही मिलेगा, फिर मिलेगा वो भी बड़ा पेनफुल होगा, वो भी फ्लशिंग पॉइंट है, इसलिए आपको बहुत कष्ट दे रहा है। तो दो पॉइंट आपको मुफ्त में मिल गए क्योंकि TW14 ढूंढना है। अब आइए चार्ट पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि ये कहाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है। जिसके भी पेन मिल रहा है आप निश्चित समझ लो कि आप कितने बीमार हो। ये रहा हमारा पॉइंट फ्रंट का, और ये रहा हमारा बैक का। अब इसको थोड़ा जूम कर लेना चाहिए। ये आ गया। अब अगर आप LI 15 को ढूंढना चाहते हैं, यहां तो बड़ा दूर दूर दिख रहा है आपको, ये LI 15 उसी गड्ढे में आपके आता है। अब आप जरा सा खोजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उंगली में ऐसा कोई डिप्रेशन है क्या। हाँ है, बस प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन में कैसे बताऊं वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, कि कैसे करेक्ट आप लगा रहे नहीं लगा रहे वो थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, फिर भी कोई बात नहीं। ये हमारा, मैं लोकेशन जैसे अभी पहले बताया था वैसे कोशिश करती हूँ। ऑफलाइन कहाँ से रख लूँ, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई US में है। अब US वाला फ्लाइट लेके वंस इन अ वीक हमारे पास आएगा क्या? आइडिया बहुत अच्छे देते हो आप लोग। तो ये जो पूरी उंगली है ना, ये तो आपकी, ये जो यहाँ तक की उंगली है ये तो आपकी बाँह हो गई आम। इसके बाद ऊपर जाएंगे तभी तो आपको शोल्डर मिलेगा ना, तो शोल्डर मिल रहा है आपको यहाँ से आगे तक। ये जो 15 नंबर है ये आपने ढूंढ लिया, सॉरी इसके लिए सर्कल बनाती हूँ मैं, ये आपने सीख लिया ना 15 नंबर कि कहाँ पर है। तो उंगली को जब आप ले जाएंगे तो मैंने गड्ढा ढूंढवाया था आपसे, ढूंढवाया था ना, उसी गड्ढे में 15 मिलेगा। अब आपको मैं फिर से स्क्रीन हटा के दिखा रही, थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आई नो, लेकिन समझाने के लिए इतना मेहनत तो आपको थोड़ा भागा दौड़ी करनी पड़ती है। लेकिन एक बार अगर पॉइंट लोकेशन आपके करेक्ट हो गए तो जो आनंद आएगा वो आपको जीवन में कभी नहीं आ सकता। ये उंगली जो मेरी सामने दिख रही है यहां तक पूरा हाथ है, ये कंधे का हिस्सा है मोटा, देखने में ही लग रहा है। तो जहां तक ये उंगली सीधी है, बिल्कुल सीधी, वहां तक 14 आ जाएगा। और कहां से आएगा, इस लाइन से, तो नेल के बिल्कुल सीधी लाइन, ये बताया था आपको। और अगर उसको आप गौर से देखेंगे हल्का सा अपने फिंगर को, चाहे तो बेंड करके ढूंढ लें, गड्ढा भी वैसे ही मिलेगा जैसे हमने आपको ढूंढवाया था। अगर ये LI 14 है, आपको दिखा रही हूं अभी बना के, अगर आपका
जो लाइन खींची है अगर वो 14 है तो उसके ऊपर जहां डॉट लगाया है वहां पर गड्ढा बनता दिखाई देगा। ढूंढ लीजिए, मिल रहा है? जैसे हमारी बांह यहाँ तक तो नॉर्मल होती है, यहाँ के बाद थोड़ा सा उभार होता है, उभार के बाद गड्ढा है, तो वैसे ही यहाँ पर हमारे फिंगर में भी स्ट्रेट के बाद थोड़ा सा उभार आ रहा है। तो उभार से पहले जो लाइन खींची है वो 14 है और उसके बाद गड्ढा बन रहा है जैसे यहाँ बन रहा है, ये है 15। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इससे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, यानी इस बोन को छोड़ करके। अब देखिए आपके शोल्डर में और इसमें डिफरेंस आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, कहीं कहीं बोन का स्ट्रक्चर 100% ये हाथ तो नहीं है ना आपका, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। 16 के लिए मोड़ लीजिए हाथ और पीछे बना दीजिए थोड़ा सा, तो ये आपका 15-16 हो जाता है। फैला देंगे तो पीछे निकल जाएगा, मोड़ने में पास लग रहा होगा। और 15 के ठीक बगल में आपको TW का 14 नंबर मिलता है, यानी बिल्कुल यहाँ टॉप पर ये मिल गया आपको 14 नंबर, दिख रहा है? यही है आपका TW का 14 नंबर, 14। 14 के साइड में LI 15। थोड़ा सा और नीचे जो लाइन दिख रही है वो है आपका 14 और सबसे यहाँ ये जो दिख रहा है ये है आपका LI का 16 नंबर। चार्ट में हाथ में दोनों में थोड़ा आपको अजीब सा दिख रहा होगा, करेक्ट? मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब हमारा जो टाइम है वो भी थोड़ा सा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों को कोई एकाध पॉइंट और पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इतना सफिशिएंट होगा, शायद मैसेज कर दीजिए तो मैं मैसेज देख लेती हूँ। थायराइड करेस्पॉन्डेंस में क्या फर्क है? यहाँ सामने ही तो है थायराइड, तो यहाँ पे बना लीजिए, ये तो बहुत ही आसान है। स्टमक एड बहुत आसान है, हमने सारा निशान से बनाया है। आप लोग ऐसा करिएगा ना कि किसी दिन जब नेक्स्ट मंडे मिलूंगी, मैंने बोला है ना जितने कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, तो मंडे को आप लोग क्या करेंगे कि अपने जो भी पॉइंट की लोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको एक जगह पे नोट करके रखिए, वन बाय वन आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगी। गॉल ब्लैडर 30 मैंने पहले ही बता दिया है नीलिमा जी, और आपके PDF में है उसको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। गॉल ब्लैडर 25 मैंने अभी कल के लेक्चर में बताया था, आप वहां से रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, कल का एक बार आप देख लीजिए वीडियो, अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगी। K3 तो इतना ज्यादा इजी है, आप लोग केवल चार्ट देख करके एक बार प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद भी कहीं कुछ बचता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, ठीक है? गॉल ब्लैडर 21 मैंने बता दिया है, उसको प्रैक्टिस करें। हाँ, कुछ लोग GV20 को ऊपर लगाते हैं टॉप पर, और बाद में इसमें करेक्शन किया कि टॉप पे कैसे आ सकता है। टॉप का मतलब तो ये हुआ हमारा, पीछे तो नेल आ गया, तो कुछ में आप एक बार थंब के बीच में जो नेल है उसके बीच में भी डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों ही पॉइंट बराबर ही रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है? आज मैं नहीं लूंगी आप लोगों का क्वेश्चन, क्योंकि एक तो समय हो रहा है और दूसरा मैं चाहती हूँ कि एक जो पैटर्न रहे ना उसी पर चले, क्योंकि मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का पॉइंट लोकेशन से है तो मैं परसों देखूंगी, ठीक है? इसलिए मैं वाई डोंट ऑन नेल्स, हाँ नेल्स पर भी लगाते हैं कुछ लोग, वैसे भी लगाते हैं, जितने भी हैं
थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग भी कर लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा, जैसे मैंने लाइन खींच करके और ये सारी चीजें बताई हैं। इसके बाद भी जहां समझ में नहीं आएगा तो अपना नोट करके रखिए, और जब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मंडे को तो आपको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। मंडे सेम टाइम में, जो आज का टाइम है वही सेम उसमें भी होगा, और कल मैं शाम को 6 बजे अपने कोऑर्डिनेटर्स कहें या अपनी टीम के लिए जो लोगों ने भी नाम दिया है तो उनके लिए मैं एक छोटा सा करूंगी, मुश्किल से आधे घंटे या 1 घंटे जो भी होता है, अपनी तरफ से तो आधे घंटे ही प्लान कर रही हूँ कि शाम को 6 बजे। अब बाकी के लिए रेगुलर क्लास के लिए मैं मिलूंगी आपको मंडे को शाम को 5:30 to 6:30। थैंक यू सो मच।